नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। और छत्तीसगढ़ वो प्रदेश है जिसका नाम आते ही जहन में एक संगीत सा गूंजने लगता है, जैसा अभी गिटार के साथ आप सुन रहे थे, टीडिंग डीडिंग टीडिंग डीडिंग टीडिंग डीडिंग टीडिंग डीडिंग। और छत्तीसगढ़ जितना खूबसूरत है, प्रकृति ने उसे जितना संवारा है, सजाया है, उतने ही खूबसूरत वहाँ के लोग हैं और उतना ही खूबसूरत वहाँ का कल्चर है, वहाँ की संस्कृति है और वहाँ का म्यूज़िक है। खूबसूरत बात यह है कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो इसको समझ रही है। ख़ास तौर से अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर विष्णुदेव साय, वो ये समझते हैं कि इस संस्कृति में संगीत किस तरह से रचा बसा है और कैसे ये संगीत आगे बढ़कर छत्तीसगढ़ की एक अलग छवि को भी गढ़ सकता है। और यही वजह है कि अभी एक गीत ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींचा, बैला डीला बैला डीला। इस गाने को सुनकर तो मैं भी अपने कदम थिरकने से नहीं रोक पाया, अद्भुत है। और छत्तीसगढ़ की ये समृद्ध संस्कृति कैसी है, इस पर तो हम थोड़ी और मेहमानों के साथ बात करेंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए बैला डीला, सुनिए। जादू है तेरे बस्तर में, ऐसा जादू है तेरे बस्तर में। और इस गीत की जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगी है कि एक नौजवान जिसे शहर खींच रहा है कि चलो पैसे कमाते हैं, नाम कमाते हैं, लेकिन जब वो अपने खूबसूरत बस्तर से निकलता है तो सड़कें रोकती हैं, झरने रोकते हैं, जंगल रोकते हैं कि अरे पगले कहाँ जा रहा है, सब कुछ तो यही है, यहाँ से सब कुछ हो सकता है, तू क्यों इतनी सुंदरता को छोड़ के शहर जा रहा है। तभी तो वो कहता है कि कैसा जादू है तेरे बस्तर में। आज जो टीम हमारे साथ है वो ज़बरदस्त टीम है, इसमें ऐसे गीतों को लिखने वाले गीतकार भी हैं, क्रिएटिव पर्सनैलिटी के धनी कलाकार भी हैं, लेकिन सबसे पहले मैं चलूँगा जो दायरा बैंड है जिसने ये बस्तर के गीत को लिखा है। तो पीयूष जी हैं मेरे साथ, पीयूष कपूर जी हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ सर। और साथ ही हैं मीर अली मीर साहब, जिनका लेखन कमाल करता है और वो एक ऐसे शायर और एक ऐसे कवि हैं कि क्या बात है, मतलब मैं उनकी पाकीज़गी, उनकी सरलता की मैं क्या बात करूँ। और साथ ही हैं सादगी से भरे एक ऐसे गायक बस्तर के, लखेश्वर जी, जिनकी मैं क्या बात करूं, उनकी आवाज़ सुनकर तो मैं पीयूष जी के साथ जो जुगलबंदी हुई है साहब, कमाल है सर, कमाल है। ऐसा लगा कि जंगल से कोई ऐसा गीत निकला है जो ईश्वर तक गया है, कमाल किया है आप लोगों ने मिलके। और साएं साएं में हमारे मीर अली मीर साहब ने कमाल किया है, तो लखेश्वर साहब का भी बहुत स्वागत करता हूँ। आप पीयूष जी, एक नौजवान जो शहर जाना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, उसे अपने प्यारे जंगल झरने आवाज़ दे रहे हैं। आज मल्टीनेशनल में काम करने वाले लड़के 30-35 साल की उम्र में ऊब जाते हैं और कहते हैं हमें अपने गांव जाना है, अपने शहर जाना है। कैसे इस गीत की शुरुआत हुई, कैसे आप आगे बढ़े और कैसे लखेश्वर जी को याद करते हैं, दादा का सपोर्ट कैसा रहा, गजब की जुगलबंदी है, गजब का फ्यूजन है सर जी।
जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि छत्तीसगढ़ के लोग और छत्तीसगढ़ के बाहर भी इस गाने को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, जो कि लोकगीत है छत्तीसगढ़ का। और हमने केवल इसमें यही प्रयास किया है कि अपना जो एक मॉडर्न एलिमेंट हम लोग ला सके, ताकि और लोगों तक ये गीत पहुँचे और वहाँ बस्तर की खूबसूरती जो है वो और भी संगीत के माध्यम से जैसे भी हम पहुँचा सकते हैं, जो हमारा छोटा सा प्रयास है वो अब लोगों को पसंद आ रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल पीयूष जी, और मैं आपको इसलिए क्रेडिट देना चाहूँगा कि आपने अपनी आवाज़ में जिस बेचैनी को पैदा किया है, उस नौजवान की बेचैनी को, कि एक तरफ नाम कमाने की जिम्मेदारी है उस पर, पैसे कमाने की जिम्मेदारी है, और दूसरी तरफ जब आप कहते हैं कैसा जादू है तेरे बस्तर, ऐसा लगता है दिल निकल के हाथ में आ गया। एक बार वो आलाप लेकर हमें बताइए ना जरा, इसके इसके कुछ अंतरे गुनगुना दीजिए, फिर मैं दादा की तरफ चलूंगा। जी बिल्कुल सर, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग भी यहाँ पर जो हमारी पूरी टीम है उसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो छोटे शहरों से ही आए हैं, और हम लोग मुंबई जैसे बड़े शहर में रह रहे हैं, तो वो जो दर्द है वो खास करके हमारे दिलों से बहुत निकलता है। मेरे बगल में इस समय आलोक रंजन श्रीवास्तव बैठे हैं, जिन्होंने वो हिंदी लाइंस लिखी हैं, तो उनका भी अंदर का दर्द है। वो भी बनारस के पास रहते थे पहले और फिर दिल्ली रहने लगे। खैर, मैं आपको वो लाइन जरूर सुनाना चाहूँगा। पहले मैंने यही सोचा शहर जाऊं, कुछ नाम मैं कमाऊं, भीड़ में गुम थोड़ा गुमसुम हो जाऊं तो शहरी कहलाऊं, पर तेरे जिले की हवाएं रोक ले मुझे, सारे ही मर्ज की दवाएं यहां मिले मुझे, ऐसा जादू है तेरे बस्तर में। आहा आहा आहा, क्या बात है। हम चलते हैं दादा की तरफ, जो इस वक्त और गरिमा दिवाकर जी हैं, बहुत युवा प्रॉमिसिंग गीतकार हैं, वो हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत करता हूँ गरिमा जी। छोटे शहर के लोग धमाल करते हैं, मुझे भी भ्रम है कि मैं भी कुछ अच्छा करता हूँ और छोटे शहर से ही हूँ, भोपाल एक गांव से ज़्यादा कुछ नहीं है। आप ज़रा मुझे बताइए कि छोटे शहर के लोगों का ये जो क्रिएटिव एक एक एक, एक परस्यूट होता है, एक उनके भीतर आगे बढ़कर काम करने का जज्बा होता है, ये किस तरह होता है और ये चुनौतियों के सामने भी कितनी ताकत से खड़ा होता है? जी सबसे पहले मैं तो आप सभी को नमस्कार करती हूँ और बंसल न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं ये बताना चाहूंगी कि जो छोटे शहर में होते हैं लोग जो होते हैं, वहाँ का जो आर्ट होता है वो बहुत प्योर होता है, अनटच्ड होता है, तो उसका इसलिए उसकी खूबसूरती ही उतनी पाक और पवित्र होती है। तो जब कोई आर्ट इतना पाक और पवित्र होता है तो उसकी खूबसूरती और उसकी महक दूर दूर तक इजिली पहुंच जाती है। तो इसलिए कभी मतलब छोटे शहर के आर्टिस्ट कहीं ऐसे छुपे दबे नहीं होते हैं, वो एक अपनी अपनी एक दुनिया में अपना काम करते रहते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और आप सब जुड़े रहिएगा, मैं लौटूंगा आपकी तरफ, फिर मीर अली मीर साहब का एक छोटा रिएक्शन लूंगा। पहले चलते हैं लखेश्वर जी की तरफ। लखेश्वर जी, कितना आनंद आया आपको इस गीत से जुड़कर और पीयूष जी के साथ जुड़कर, एक फ्यूजन जो बना है वो बड़ा बेमिसाल है। आपकी आवाज़ तो हमें ऐसा लगता है कि किसी सूफी संत की आवाज़ है, किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज़ है जो हमें सीधे ईश्वर से जोड़ रहा है। जरा बताइए किस तरह का अनुभव रहा, और कुछ गुनगुना भी दीजिएगा जब अपनी बात आप खत्म करें तो। जी जी हाँ शरद जी, सबसे पहले तो मैं आपको जोहार करता हूँ बस्तर या परंपरा के अनुसार। जय जोहार जी। मैं मूल रूप से एक बस्तर का गांव के रहने वाला एक लोक कलाकार हूँ, और ऐसे देखा जाए तो जो गीत है आया मोचो दंतेश्वरी, ये आज से बहुत पहले गाया जा चुका है, और इसको गणेश प्रसाद सामंत जी ने, इस गीत की एक लोक साहित्यकार थे, उन्होंने रचना की, और पहली बार मेघनाथ पटनायक जी ने इस गीत को रेडियो में गाया था। बस्तर के बच्चा बच्चा इस गीत से वाकिफ था, लेकिन जब दायरा इंडिया का आगमन बस्तर में हुआ और एक नई और पुराने संस्कृति का समन्वय करने का उन्होंने प्रयास किया, बहुत ही दिलचस्प था मेरे लिए और एक जिज्ञासा भरी अनुभव मेरे में थी।
एक माह पूर्व उन्होंने जगदलपुर में आया और उनका साउंड सिस्टम, उनका तकनीक देख करके हम भावुक हो गए थे। और जब उनके साथ आया मचो दंतेश्वरी, जो कि मतलब बस्तर के जो एक पारंपरिक लोकगीत के धुन पर आधारित है, जिसको मतलब बस्तर के बच्चा बच्चा जानता है, उसी गीत को पहली बार जब मेघनाथ पटनायक जी आकाशवाणी में गाए थे। लेकिन इस बार जब फ्यूजन बना दायरा इंडिया टीम के साथ, और पीयूष जी का जो मतलब बहुत सुंदर आवाज़, जिसको जिसका मैं कायल मैं खुद हूँ, कि उनके साथ जब मैं गाने का प्रयास किया, मैं सोच रहा था कि शायद वो मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। हालांकि मैं बस्तर का मूल रूप से लोक गायक हूँ, मेरे जो माता जी मेरे नाना जी मूल रूप से बस्तर के पारंपरिक गीतों को गाया करते थे, और गांव का जो मिट्टी सौंधी महक मेरे में, और मैं कभी शहर को कम से कम 15 वर्ष तक तो मैं शहर कभी देखा नहीं था, गांव के झोपड़ी में रहता था। और जब उनके साथ मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि बॉम्बे से जब टीम आएगी दायरा, और पीयूष जी जो मतलब जाने माने फ्यूजन गायक हैं, उनके साथ गाने का सौभाग्य मुझे मिलेगा, मैंने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन सौभाग्य से मिल गया और इस गीत को उनके साथ तालमेल करने का जरा गुनगुना दीजिए ना, मौका मिला मेरे लिए। फिर मैं लौटता हूँ, पहले एक गुनगुना दीजिए जरा, एक 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 अपने अंदाज में। जी जी। आया मोचो दंतेश्वरी बाबा भय दंतेश्वरी बाबा भैरम आय, आया मचो दंतेश्वरी बाबा भैरम आय, भाई दंड कर भई निंद्रावती सुंदर मचो। वाह 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 वाह, कमाल कमाल सर कमाल। और मैं अब मीर अली मीर साहब की तरफ चलूंगा। मीर साहब, पहले तो आपकी खूबसूरत आवाज में जरा साय साय वाला गाना हमको थोड़ा सा गीत गुनगुना दीजिए ना, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी, आपकी बिल्कुल बुलंद आवाज में मजा आ जाएगा। जी, साय 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 चल थे बुता, बने काम धर ले बने काम धर ले। ये हमारी जो संपर्क भाषा है छत्तीसगढ़ी, कितनी सहजता के साथ स्वीकार है हमारे छत्तीसगढ़ में, और इसीलिए आज हमारे साथ गरिमा दिवाकर बैठी हैं जी, और इनकी पूरी टीम है। तो मैं चाहता हूं कि ये गीत संगीत के माध्यम से इनसे सुनी जाए, क्योंकि मैं तो कविता के माध्यम से अपनी बात कहता हूं, तो हम इस गीत को पूरे संगीत के साथ गरिमा दिवाकर से आनंद आ जाए, आनंद आ जाए। वाह वाह, बिल्कुल। ओवर टू यू गरिमा जी, आपकी तरफ। जी, कमाल है कमाल है, धमाल है धमाल है। गरिमा जी कमाल है, आपकी टीम को बधाई, आपको बधाई, मीर अली मीर साहब को बधाई। क्या साए साए मचा है साहब, कमाल साए साए मचा है, ऐसा लगा चारों कोती साए साए, कमाल है कमाल है। देखिए, आमतौर पर जो एड फिल्म्स होती हैं उनके लिए यही बात रहती है कि वो कितनी दिलचस्प हों,
कितनी रोचक हों कि वो हमारे मन तक पहुंचे। और इसीलिए सबसे क्रिएटिव दुनिया मानी जाती है एडवर्टीजमेंट की दुनिया, प्रचार की दुनिया। और वहाँ आप जैसे क्रिएटिव लोग हैं, कमाल है, बहुत बधाई कि इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। पीयूष जी का परफॉर्मेंस का भी टाइम है। पीयूष जी, थोड़ा आलोक जी से पूछ लीजिए मेरी तरफ से, बनारस की जो क्रिएटिविटी है वो तो अद्भुत है। कि आप वहाँ का बनारसी रंग जो है सर, वो तो गजब का है, और उसमें भोजपुरी जो रंग घोलती है, आइले गईले, आ हा हा, क्या बात है। पूछिए जरा आलोक जी से, बनारस उनकी रग रग में धड़कता है, फड़कता है, ये बनारस क्रिएटिविटी में गजब की मदद करता होगा। जी जी, बनारस का और पूर्वांचल का बहुत बड़ा हाथ है, मुझे लगता है, जो मेरी हिंदी की है उसमें, तो मैं उससे बहुत अपने दिल के करीब रखता हूँ। मुझे लगता है वो एक ऐसी, वो बनारस की ही भाषा में मेरे दिमाग में ख्याल आते हैं, और मैं वही कोशिश करता हूँ कि उसी सरल भाषा में मैं अपनी बात को अपने गीतों में लिख सकूँ, जो लोगों तक सरलता से उनके दिल तक पहुँच जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कमाल की बात है साहब आपने कही। और बनारस बनारस है, बनारस में क्या बात करें कि हर एक जगह वहाँ क्रिएटिविटी का रंग है, चाहे बिस्मिल्ला खान साहब की बात करें या फिर तमाम जो बड़े बड़े राइटर्स और BHU की बात करें, सबकी बड़ी धमक है। पीयूष जी, ये ख्याल जो मन में आया आपके कि एक लखेश्वर जी के साथ एक फ्यूजन हो, तो इस फ्यूजन में जब आप ब्रिजिंग कर रहे होंगे, जब आप पुल बना रहे होंगे, जैसे लखेश्वर जी तो आपके मुरीद हो गए, आपकी आवाज़ के मुरीद हो गए, आपकी अदायगी के मुरीद हो गए, किस तरह का एक्सपीरियंस आपका लखेश्वर जी के साथ रहा? जी जी सर, हम लोग इस प्रोजेक्ट के थोड़े दिन पहले, लगभग एक महीना पहले, यानी कि 2022 में जून में हम लोग गए थे, हमको बस्तर जाने का मौका मिला था एक छोटा सा म्यूजिक वर्कशॉप कंडक्ट कराने के लिए, और वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई लखेश्वर खुदराम सर से, और उन्होंने हमारे साथ, उस समय भी उनको याद होगा कि उन्होंने कुछ लोकगीत हमें सुनाए थे, और उस समय ही से हम लोग के दिमाग में बैठ गया था कि कहीं ना कहीं इनके साथ कुछ एक बेहतरीन सा फ्यूजन हो सकता है, एक कोलैबोरेशन हो सकता है। और वहाँ से ही फिर बस्तर प्रशासन ने और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने हमारा काफ़ी सहयोग किया इसमें, कि हम लोग वहाँ जाकर और इस एल्बम को कंप्लीट कर पाएँ, और पूरा प्रोजेक्ट जो है, जिस तरीके से जो खूबसूरती निकल के आई है बस्तर की और लखेश्वर खुदराम सर की, वो आई है। और वो काफ़ी लंबे समय से खुद भी वहाँ के लोकगीत और वहाँ के जो कल्चर है उसे बढ़ाने में बड़ा उनका योगदान है, तो बड़ा ही दिलचस्प था। एक तो उनकी कहानियां सुनने में बड़ा मजा आता है, मुझे लगता है आपको एक बार उनको केवल एक घंटे का शो उनके साथ करना चाहिए, जहां पर आप उनसे बस्तर की कहानियां सुनिए, आपका मन गदगद हो जाएगा। मैं भी लौटूंगा सर इन दिनों, मैं ये भी देख रहा हूँ इन दिनों, क्या मुझे लगता है वो एक इटर्नल ट्रुथ है। गरिमा जी भी इत्तेफाक रखेंगी, मीर अली मीर साहब भी रखेंगे, लखेश्वर जी भी और आप भी। इन दिनों दो फिल्म बड़ी धमाल उन्होंने मचाया, इसके पहले जो फिल्म थी स्त्री, उसने बहुत अच्छा नाम कमाया, और अभी मुंजिया, और ये दोनों जो फिल्म्स थी ये हमारी फोक स्टोरीज पर थी, लोक कथाओं पर थी। एकदम 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 सर, बिल्कुल। पॉसिबिलिटीज तो मतलब कहते हैं ना कि आसमान, स्काई इज द लिमिट अंग्रेजी में कहते हैं, मतलब आसमान के पार भी कई जहान है। जी जी, आगे क्या आपके प्लान्स हैं सर, आगे और क्या सोच रहे हैं छत्तीसगढ़ के साथ? अभी सर फिलहाल हम लोग दायरा और इस पूरी टीम के साथ, इस जादू बस्तर की पूरी टीम के साथ हम लोग अभी फिलहाल रायपुर में हैं। रायपुर में हमारी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री जो जादू बस्तर के अराउंड, इस पूरे प्रोसेस के अराउंड हुई है, शूट की गई थी, और उसे आज स्क्रीन कर रहे हैं हम यहाँ पर कुछ स्पेशल गेस्ट के साथ। अगर आप फ्री हों तो आप भी प्लीज़ आएँ, और उसके साथ साथ हम आगे जा रहे हैं दंतेवाड़ा, जहाँ पर हम परफॉर्म करने वाले हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को, इन सारे गानों को पहली बार लाइव जनता के सामने। और वर्ल्ड ट्राइबल डे है, विश्व आदिवासी दिवस है, उस दिन ये होने वाला है, तो बड़ा ही एक्साइटेड है पूरी टीम हम लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं फिर कहूँगा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को मैं ज़रूर एक्नॉलेज करूँगा कि एक बहुत क्रिएटिव पहल है कि गरिमा जी, पीयूष जी, मीर अली मीर साहब, लखेश्वर दादा, इन सबको एक मंच पर लाना। मीर अली मीर साहब, थोड़ा सा कुछ एक गुनगुना दीजिए, मैं कंक्लूड करूंगा आपके गुनगुनाने के साथ ही, फिर एक बार आप सबके साथ एक घंटे की रिकॉर्डिंग में बैठूंगा, मैं लाइव नहीं, एक घंटे की रिकॉर्डिंग करूंगा,
क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ कितनी बातें करता चला जाऊं। एक कोई बहुत अच्छी छत्तीसगढ़ी की अपनी कोई कविता, छत्तीसगढ़ महतारी पर जो आपका गीत है बड़ा मकबूल है, वो भी जो आपका मन करे, कोई नया गीत आपने लिखा हो। जी जी, अभी राजीव त्रिवेणी संगम का दृश्य देखने के बाद एक चित्र बना जी के बादर त्रिवेणी गाथे चंदा पुनरावन नाचे चंदैनी गजरा साजे, के बादर त्रिवेणी गाथे चंदा पुनरावन नाचे चंदैनी गजरा साजे, दुखला सुख तो फेरा है दुखला सुख तो फेरा है, ममता में तारी मोर ममता में तारी मोर अटके चिनारी तोर, के बादर त्रिवेणी गाथे चंदा पुनरावन नाचे चंदैनी गजरा साजे, ये दुनिया यानी जानी अंगना उर्वाती पानी बांधे जी पार रखे तेनो नहीं पिए मानी, और 33 करोड़ देवता नहीं जानी नचारी तो ममता में तारी मोती। आहा वाह वाह वाह, क्या बात है पीयूष जी। आरू जी आपके पास है, मैं मुझे मैसेज मिला है अभी, कमाल कर दिया मीर अली मीर साहब, क्या बात है साहब, क्या बात है, क्या बात है, और क्या बात है, गजब है। आरू जी हैं क्या वहाँ? अगर हैं तो उनकी भी खूबसूरत आवाज में हम कुछ सुन लें। जी अभी अभी जो है मेरे YouTube चैनल आरू साहू पे एक सुंदर सा हल्बी गीत आया है, वो मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। जवा जवा रे जवा जवा डंडा माली मंडई दखुक जवा, जवा जवा रे जवा जवा डंडा माली मंडई दखुक जवा, तन नना रे तन नना तन नना रे तन नना, तियार हुआ अमी चितर बाना मुंड ने गजरा दोन पाना, तियार हुआ अमी चितर बाना मुंड ने गजरा दोन पाना, फबे देश कन लुगारे है फबे देश कन लुगारे, डांडा माली मंडई दखुक जावरे डांडा माली मंडई दखुक जावरे, जावा जावा रे जावा जावा डांडा माली मंडई दखुक जावा, जावा जावा रे जावा जावा डंडा माली मंडई दखुक जावा। धन्यवाद, बहुत बहुत खूब, क्या बात है आरू, क्या बात है, बहुत उम्मीदें हैं आपसे, ईश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों की तरफ ले जाए, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज है। हम एक बार फिर लखेश्वर जी की तरफ चलते हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। लखेश्वर जी, कोई बड़ी कहानियाँ सुनाई हैं आपने पीयूष जी को, जरा कोई कहानी ऐसी हो कि कुछ हॉरर स्टोरी हो तो बताइए, मैं शांडिली जी से बात करता हूँ फिर मुंबई, और उनको कहता हूँ कि बस्तर की किसी बढ़िया लोक कथा से निकली हॉरर स्टोरी पे कोई फिल्म बनाते हैं। जी लखेश्वर जी, कोई लोक कथा है जो थोड़ी भूत प्रेत से जुड़ी हो बस्तर की? जी जी, रियल जो है यहाँ पर, आप लोग आपने गुंडाधुर के बारे में जो सुना होगा, जो मतलब आज से 15 साल पीछे हम चले जाएं तो गुंडाधुर के बारे में कोई बताना नहीं चाहते थे। तो मैंने उस समय तब से लेकर के अब तक अपने कलेक्टर सरलों के साथ कुछ ना कुछ जनहित के कार्य करने का अवसर मुझे मिलता था, तो तत्कालीन कलेक्टर सर से निवेदन करके मैंने अपना पोस्टिंग नेताना, मूल रूप से मैं टीचर हूँ शिक्षक हूँ, तो वहाँ करवाया और उनसे उनके बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने कोई उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया। तो उनका जो परनाती थे गुंडाधुर के, तो मैंने सोचा कि उनसे दोस्ती कर लूं, और उनसे मैंने दोस्ती किया और उनसे डायरेक्ट पूछने का प्रयास किया, तो उन्होंने साफ साफ मुकर गया कि हम लोग गुंडाधुर के बारे में नहीं जानते। लेकिन मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा, 5 साल तक उनके साथ दोस्ती बनाया रखा। वाह। और 5 साल के पश्चात होली के दिन था, मुझे अच्छी तरह से याद है, और उन्होंने बताया कि नहीं आपको मैं
फलाने के बारे में, बागा के बारे में बताऊंगा। बागा कौन है कोई नहीं जानता था, तो बागा कौन है? नहीं, वही जो गुंडाधुर बोल रहे हो, असली नाम उनका बागा था। और उन्होंने जब होली का दिन था, और होली के दिन हमारे गांव में पूरा धूम मेला सा लगता है, मैं मेला को भूल गया और उनका पूरा स्टोरी सुनना शुरू कर दिया। और इस तरह से जब उन्होंने मुझे बताया तो फिर मैंने और भी लोगों को बताया, और उसके पश्चात आज लोग गुंडाधुर के बारे में जानना शुरू किया है। मैं भी और वहां पर उनकी जन्म जी जब बस्तर आऊंगा तो आप मुझे कहानियां सुनाइएगा। आपकी कुछ कहानियों को मैं लिखने की भी कोशिश करूंगा, और कुछ पर कोशिश हुई तो कुछ उस पर कुछ और क्रिएटिव चीज़ें। आप सब इतने क्रिएटिव हैं कि दिल कर रहा है कि बातचीत करता रहूं। और तमाम वो दर्शक जो इस वक्त हमारी ये ख़ास पेशकश देख रहे हैं, आप पैसे के बारे में, धन के बारे में एक बड़ी नायाब कोटेशन मुझे याद आती है कि पैसा बड़ी नामुराद चीज़ है, धन जो है वो बड़ी नामुराद चीज़ है, लेकिन कमबख्त ये बात पैसा कमाने के बाद ही मालूम पड़ती है। धन की निरर्थकता धन कमाने के बाद समझ में आती है। तो सच्चा क्या है? सच्चा है बस्तर, सच्चा है आपके आसपास के पहाड़ों का बहता हुआ पानी, जंगली झरना। सच्चा क्या है? सच्चा है पीयूष जी की आवाज़, सच्चा है मीर अली मीर साहब की आवाज़, उनका लिखना, गरिमा का, आरू का, उनके साथियों का लोकगीत में किसी बुलबुल और कोयल की तरह चहकना, ये सच्चा है। और इस सच्चे धन से आप रूबरू होना चाहते हैं तो बस्तर जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, मध्य प्रदेश आइए, मंडला जाइए, कान्हा नेशनल पार्क जाइए, बालाघाट के जंगल देखिए। आपने कुल्लू मनाली खूब देखा होगा, आपने शिमला देहरादून खूब देखा होगा, आपने मसूरी खूब देखा होगा, उत्तराखंड भी खूब घूमा होगा, लेकिन एक बार तो आइए हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। भूल जाएंगे सर आप बहुत सारी चीज़ों को। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, और अपना ये क्रिएटिव काम, अपना ये क्रिएटिव फ्यूजन आप जारी रखिए। बंसल न्यूज़ की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने हमारा दिल जीत लिया। और जाते जाते आप सबको दिल से शुक्रिया करते हुए हम बस्तर का ये गीत आपके लिए छोड़ जाते हैं, जो हमें थिरकने पर मजबूर कर देगा, डांस करने पर मजबूर कर देगा। त्योहारों का मौका करीब है, तो चाहे रक्षाबंधन हो या फिर जन्माष्टमी हो या फिर उसके बाद गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, एक बार अपने म्यूजिक सिस्टम पे फुल ट्यून कीजिएगा, बैला डीला बैला डीला। सुनिए तो सर, मैं आए बस्तर जिला, जो आदिवासी पीला, मैं आए बस्तर जिला।